गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोग्राफी क्लास, चैप्टर नंबर 19, क्लास 12, इंडस्ट्रीज का फर्स्ट वीडियो आपको पहले से अपलोड किया जा चुका है। सेकंड वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सेकंड जो क्वेश्चन हमारे क्रिएट होंगे वो आयरन और इंडस्ट्रीज से होंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आपने लास्ट वीडियो में देखे होंगे मैंने अबाउटेड आपको 7 इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। अब उन सभी 7 इंडस्ट्रीज को वन बाय वन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। 7 इंडस्ट्रीज से आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन ईच इधर यानी हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन ऐसे टाइप का होगा। तो यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आज हमारे ये जो मॉडर्न टाइम में जितनी भी फैसिलिटीज आप यूज करते हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके यूटेंसिल्स वगैरह या हाउस होल्ड के जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह हैं, वो सभी इसी की देन है, इसकी स्टील इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज में इंडिया में जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, अगर हम उसकी बात करें, मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ, तो 1870 में हमारे यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। किसकी मैन्युफैक्चरिंग? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितने कंपनियों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, वो मैन्युफैक्चरिंग में टिस्को, आपने नाम सुना होगा टिस्को, इसको, विस्को। तो भैया ये ट्रिकी है, जो आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की जो मेन ब्रांचेज हैं उनके नाम याद कर सकते हो। अबाउट 10 ब्रांचेज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। तो उन्हीं 10 ब्रांचेज में से 3 के एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिए गए हैं क्योंकि प्रोडक्शन बेस के अंदर लिस्ट में हाईएस्ट करते हैं। टिस्को कंपनी, टाटा आपने नाम सुना होगा, टाटा, रतन टाटा का नाम सुना होगा। इस कोरोना काल में बहुत कुछ डोनेशन कर रहा है, बहुत ज्यादा डोनेशन कर रहा है और हाईलाइट किए न्यूज पेपर या मीडिया में। तो जमशेद जी टाटा ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी, कहाँ की थी? झारखंड में जमशेदपुर नाम से इनका एक प्लेस की है जहां से टिस्को की कंपनी एस्टेब्लिश है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसकी फुलफॉर्म क्या है? इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसको के नाम से जाना जाता है इसको। और इससे ऊपर वाली टिस्को का नाम है टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो टिस्को की जो स्टार्टिंग हुई थी, सॉरी टाटा की बात करूं मैं, तो ये 1907 में इसकी स्टार्टिंग हुई। अब 1907 के बाद में नेक्स्ट जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1918 में, और किसकी शुरुआत हुई थी? इसको की। और कहां हुई थी? बर्नपुर में। अगर हम नेक्स्ट बात करें विस्को की, तो विस्को ये साउथ इंडिया से रिलेटेड कंपनी है। हिंदी में इसका नाम लिख के बता रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वेश रैया के नाम से, यानी इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वी से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वी यूज किया गया है। इंग्लिश मीडियम की बुक में एम यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? मिस्को। तो वो मिस्को गलत है, वहां आप इसको ओवरराइड करके सही कर लेना, विस्को कंपनी। तो विस्को को ये आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में एस्टेब्लिश की गई थी, कहां पर? अब ये 3 तो मैंने मेजर बात कर ली, चौथी कौन सी थी? राउरकेला। फिर आगे और पढ़ोगे भद्रावती, भिलाई, झारखंड, बोकारो, सेलम, विजयनगर, तमिलनाडु, ये बहुत सारी कंपनियां 10 नंबर तक आप इनको पढ़ोगे आगे। जस्ट इसी टॉपिक में आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, या सॉरी इसी टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो 1974 में ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्या है ये? सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी आयरन लिमिटेड के नाम से गवर्नमेंट ने एक बड़ी ब्रांच ऑर्गेनाइज की थी या फॉर्मेशन की थी
इस ब्रांच का मेन पर्पस क्या था कि जितने भी कंपनियां इनका प्रोडक्शन बढ़ाना था, जितने भी कंपनियां इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनको लिए गाइडलाइन बना रही थी। कौन बना रही थी? यानी कि आपने लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में आपने देखा, आपसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात की गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में इसका मेन रोल था सेल का। अब कई कंपनियां ऐसी होती है जिनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, उनका मैनेजमेंट गलत है, तो उसके लिए सेल या हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अपने हैंड ओवर कर लिया, कंपनी को हैंड ओवर कर लिया। यानी कि पहले तो पर्सनल बेस पे चलेगी, अब गवर्नमेंट बेस पे चलेगी। और ऐसी एक कंपनी थी इसको, जिसको पर्सनल बेस से गवर्नमेंट बेस पे चेंज किया था इसने। अब एक और यहाँ से जीके का क्वेश्चन बन रहा है आपका, जीके का क्वेश्चन की प्रोडक्शन बेस पे, प्रोडक्शन बेस पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में इंडिया की पोजीशन आपको बतानी होगी। अब इंडिया की पोजीशन कौन सी है, तो अगर हम बात करें 2014 के अकॉर्डिंग, 2014 के अकॉर्डिंग इंडिया की पोजीशन थी फोर्थ पोजीशन, चीन जापान यूएसए के बाद में फोर्थ नंबर पे इंडिया की पोजीशन थी फोर्थ नंबर। लेकिन 2015 में, नेक्स्ट ईयर 2015 में हमारी पोजीशन हो गई थर्ड। कौन सी हो गई? थर्ड पोजीशन। ये थी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन बेस पर हमारी फोर्थ और थर्ड पोजीशन 2014 एंड 15 के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो भैया, जितने भी ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज के होंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कैसे? सबसे पहले जैसे कि हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में सबसे पहले आपने क्या दिया? इंट्रोडक्शन। क्या दे दिया भैया? इंट्रो दे दिया। सेकेंड क्या दिखाओगे आप? लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन के बाद में इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। इसमें लोकलाइजेशन में हमें क्या देखने होते हैं? इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। और इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स बिल्कुल ईजी हैं। कैसे इफेक्टेड करने वाले फैक्टर भी क्या होगी भाई? किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए किस किस चीज की नीड होगी आपको पहले से पता है। कैपिटल चाहिए भी चाहिए। सेकेंड लेबर, चीपेस्ट लेबर, सॉरी लेबर। इसके बाद में रॉ मेटेरियल, इसके बिना कर सकते हो इस्टेब्लिशमेंट? इसके रॉ मेटेरियल के अलावा क्या चाहिए? एनर्जी सोर्सेज, मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस। ये सभी क्या है? किसी भी इंडस्ट्रीज को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स। तो ये फैक्टर याद रखना, सभी इंडस्ट्रियों में काम में आएंगे। सेवन इंडस्ट्रीज जो आपने पढ़ी थी लास्ट में, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और भी बहुत सारी थी। तो इफेक्टेड लोकलाइजेशन में आपके लिए हो गए इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की लोकलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ सबसे पहले आपको इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स, और सेकंड आपको शो करना होगा वन टन स्टील या आयरन स्टील बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की नीड होगी। अब ये रॉ मटेरियल आपको कैसे मालूम चलेगा? बुक के पैराग्राफ वाइज इनकी मेथड्स दिए गए हैं कि वन टन रॉ मटेरियल लेने के लिए या बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए हमें कितने रॉ मटेरियल की जरूरत होगी और कितनी कितनी क्वांटिटी मात्रा में या क्वांटिटी में लेना होगा, कौन से मेथड से बनाए जाते हैं, वो सब यहाँ पर बताया गया। आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1.5 टन लोकलाइजेशन में सबसे पहले देखेंगे मेथड, और मेथड में देखोगे 1.5 टन टन आयरन और प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए। इसका मटेरियल का लिमिटेशन कुछ इस तरीके से है, 1.4 देखना पड़ेगा बता मुझे, कॉल। इसके अलावा मैं वैसे बता देता हूँ, लाइम स्टोन चाहिए इसके लिए 0.1 सर 0.3, और मैग्नीज चाहिए 0.1। आप इसमें पैराग्राफ में बीच में देख सकते हो, बुक लेकर भी आप बैठ सकते हो जब ये पढ़ रहे हो आप लोग। 0.1 डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। इसीलिए जितने भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है
क्योंकि लोकेलेशन कहाँ से होती है, रॉ मटेरियल के नियर बाय, और नियर बाय के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फोर डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ बताए गए थी, फोर डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब यहाँ बताया गया डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे। अभी डिफरेंट कंडीशंस बेस कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट यहाँ आप देख सकते हो कोल एरियाज के पास, सेकेंड कोल एरिया किसके लिए, कोल एरिया यानी कि एनर्जी रिसोर्स इसी से प्राप्त होगा इसको, सेकेंड होगा आपका आयरन ओर, आयरन ओर यानी जहाँ आयरन ओर होगा वहाँ पर हम इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं। थर्ड पोजिशन या थर्ड डिफरेंट कंडीशन होगी यहाँ पर बोथ, यानी कि अगर दोनों के बीच में, जैसे एक प्लेस पर तो आयरन ओर है और दूसरे प्लेस पर है ओर, तो हम बीच में मिड में हमारी फैक्ट्री लगा सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन यहाँ बताई गई कोस्टल बेस, यानी कि जो आयरन इंडस्ट्रीज है ये हैवी इंडस्ट्रीज में आती है बेटा, और हैवी इंडस्ट्रीज यानी जितने भी आपकी मशीनें बनती हैं वो इसी इंडस्ट्रीज में बनती है। तो इंडिया का जो ये कोस्टल रेंज है, यहाँ पर उड़ीसा, आपने नाम सुना होगा उड़ीसा, विशाखापट्टनम के नाम से भी एक इंडस्ट्रीज का नाम सुनोगे यहाँ पर, जो कोस्टल एरियाज पर सिचुएटेड है। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से जितना भी आयरन ओर बनेगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया आपका लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, देखो बेटा वैसे तो आप यहाँ वन बाय वन पढ़ोगे याद नहीं होगी, तो यहाँ थोड़ा सा मैं मैप का यूज कर लेता हूँ जिससे कि आपको एक ही बार में सभी प्लेस याद हो जाए, वन टाइम में ही आपको सारे प्लेस याद हो जाए, क्योंकि 10 प्लेस आपको बताने होंगे आयरन इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। थोड़ा मैप बड़ा यूज कर लेता हूँ। इंडिया का जो साउथ पार्ट है, इंडिया का नॉर्थ और साउथ पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो हम इसको डायरेक्शन बेस पर अगर हम देखते हैं तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ ये आपका डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट इंडिया में, साउथ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश की गई। कैसे, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा नीचे की तरफ और आते हैं तो कर्नाटक, तो जो भी ये एरिया है, ये तीन चार स्टेट्स के बारे में बात की, जितने भी इंडस्ट्रियां होंगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन तो यहीं पर किसी भी नई प्लेस पर होगा। आपको यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेस्ट बंगाल कहाँ है, झारखंड कहाँ है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये पोजीशन जो साउथ ईस्ट वाली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।